बहुत अच्छा लग रहा है कि जय घर से बाहर जा रहा है काम के लिए और कुछ नहीं, इसके दिमाग में ये रहता कि काम आया, चलो अभी शॉपिंग के लिए पहुंच गया। सो व्हाट डू वांट टू से, यू यू आर बैक? नो, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो ये शो मैंने 13 साल पहले शुरू किया था डीआईडी, एंड आई एम बैक अगेन एज द होस्ट। सो इट फील्स ग्रेट टू कम ऑन स्क्रीन और लोगों को एंटरटेन करना, लोगों के साथ मस्ती करना। एंड मुझे बच्चों के रियलिटी शोज वैसे भी ज़्यादा पसंद आते हैं, बिकॉज मैं बड़ा कनेक्ट करता हूँ उनके साथ। सो या मेरी भी बच्ची आई थी एंड माही भी आई थी सेट पे, एंड मिली है। एंड दिस इज द फर्स्ट फेस ऑफ डीआईडी, कौन सा बच्चा आपको काफ़ी अच्छा लगा एज अ गुड टैलेंट फॉर यू? आई थिंक यू नो बहुत सारे बच्चे अभी तो, मतलब कल परसों से फिर से मेरी शूट स्टार्ट हो रही है, और कल से यू नो फाइनल हमारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। एट प्रेजेंट तो यू नो 5-5 साल के बच्चे मेरे को पता नहीं कब सीखने गए थे और कब इन्होंने डांस सीख लिया। इतनी मतलब 5 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता कि हम में से कुछ यू नो बेड पे सुसु पॉटी के अलावा कुछ किए होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी बच्चे 5-5 साल की उम्र में ये डांस स्टेप्स और ये बड़े बड़े यू नो एक्ट्स रिहर्स करके यू नो ला पाते, दैट्स फैंटास्टिक। एंड रिसेंटली लॉकअप भी स्टार्ट हुआ है, वो भी स्टार्टिंग फेज में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे शो के बारे में? काफ़ी ज़्यादा करण भी बोरा सर अंदर गए हैं, बहुत सारे और अदर कंटेस्टेंट, क्या कुछ कहना चाहूँगी शो के बारे में? आई विश ऑल द बेस्ट फॉर लॉकअप। मैंने अभी तक बेस्ट देखा नहीं है, लेकिन आई विश देम ऑल द बेस्ट। इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड फिर से कुछ इंटरेस्टिंग देखने का मौका मिल रहा है सबको। सो आई होप सक्सेसफुल रहे, बहुत अच्छा शो रहे, बिकॉज मेरे हिसाब से OTT में आ रहा है, तो एक शो जब हिट होगा तो और OTT जैसे प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे, जिससे और हज़ारों लोगों को मौके मिलेंगे to come on shows like Lock Up. And yeah, and in the starting period jab opening tha tab काफी ज्यादा आर्टिकल्स आए थे कि मीडिया इज पोर्ट्रेइंग द स्टोरी, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच वाज अप टू मीडिया। सो आप क्या करोगे, कहना चाहोगे उस बारे में? लाइक मीडिया इज ऑलवेज क्रिएटिंग स्टोरीज फॉर मसाले के लिए हमेशा, मैं स्टार्टिंग लॉकअप की भी बात करूँ, देयर आर सो मेनी कंटेस्टेंट हु सेड कि मीडिया इज क्रिएटिंग स्टोरी इन देयर ओन वे। देखो भाई, सबको अपना अपना काम करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मसाला नहीं, वो किसी के लिए मसाला रहता है, लेकिन किसी के लिए वो चेंजिंग न्यूज़ भी होती है। सो क्या कहते हैं, एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब, एंड ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ मसाला क्रिएट करें या करें। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एज यू नो प्रोफेशनल्स। मैम, व्हाट डू यू वांट टू से? दस सेम क्वेश्चन फॉर यू। इन द स्टार्टिंग लॉकअप ने काफ़ी कंटेस्टेंट ने बोला था कि मीडिया इज क्रिएटिंग द स्टोरी फॉर द मसाला। व्हाट डू यू वांट टू से, हाउ डू यू सी मीडिया इन द सेलिब्रिटीज लाइफ? हाउ मेरे साथ तो बहुत अच्छा है मीडिया, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, बट या जैसे जैसे बोला कि सब अपना अपना काम करते हैं, और अगर आप मसाला देखते हो तो वो दिखाते हैं, अगर आप नहीं देखोगे तो वो नहीं दिखाएंगे, सिंपल। बट मीडिया यस, क्या बोलूँ मैम, आई तो लव यू गाइस, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स। मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि आई शुड बी सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट यू गाइस, बट या क्या धूप में खड़े रहते हो, हमारा शूट करते हो, बस बहुत थैंक यू सो मच सर।